जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि करवा चौथ की जो थाली है, पूजा थाली, किस तरह से जमाई जाती है, करवा किस तरह से भरा जाता है, करवे के अंदर क्या क्या भरा जाता है और पूजा किस तरह से की जाती है। पूजा में यूज होने वाले सारी सामग्री मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी प्लेलिस्ट व्रत कथाओं में आपको और भी अनेक तरह की कथाएं मिल जाएगी, वहां से आप कथा सुन भी सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहले हम भरेंगे करवा। करवे में क्या क्या चीज़ भरनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें करवा ले लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का ले या फिर तांबे का या फिर लोटा स्टील का, कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें पानी भरना है, काचरी भरनी है, काचरी ना हो तो बोर भर दें, एक सिक्का, एक सुपारी और एक मक्के का दाना। मक्के के दाने की जगह आप कोई भी चावल भी भर सकते हैं और एक मैंने यहाँ पर चौला डाल दिया। इस तरह से आपको टोटल 5 चीज़ें भर देनी है। और हमारे यहाँ पर परंपरा है कि करवे का मुंह बांधा जाता है, तो आप कोई भी कपड़ा लेकर बांध दीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं बांधना है तो आप रहने दीजिए और उसको हम एक लच्छे से, मौली से बांध कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा करवा हो गया तैयार। इसके ऊपर का ढक्कन ढककर आपके घर पे जो भी प्रसाद बनाया हो माता जी के लिए या फिर जो भी मिठाई आप लेके आए हो वो रख दीजिए। यहाँ हो गया है हमारा करवा तैयार। अब हम थाली में जो भी चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 रुई की बाती बना ली है और उसी के अंदर घी भर दिया है, ताकि हम जब भी पूजा करेंगे तब मैं इनको अलग अलग दिए में ले लूँगी और घी डाल दूँगी। और थोड़ा सा घी हमें धूप के लिए चाहिए और थोड़ी सी जो बाती बनाने के लिए रुई एक्स्ट्रा ली है और लच्छा, कुमकुम, मेहंदी, ये सब मैंने इसके अंदर लिए हैं और चावल। इस डब्बी के अंदर इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती है पूजा करने की, तो मैंने ये डब्बी ही ले ली है। और यहाँ पर हमारा करवा भरा हुआ रख दिया है और इसके साथ अब हमें लेना है एक ब्लाउज पीस जो कि माता जी को चढ़ जाएगा, और उसके साथ ही अगरबत्ती। अगरबत्ती नहीं लेना चाहिए, अगर आपके पास धूप है तो आप धूप भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने 2 दिए खाली ले लिए हैं। एक दिया आपको छलनी में रखने में काम आएगा और एक दिया जो माता जी के लगाएंगे उसमें काम आएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ गेहूँ के दाने अक्षत ले लिए हैं, ये ना हो तो आप चावल ले लीजिए। जब भी कहानी सुनते हैं तब इनको हाथ में लेना होता है और माता जी को भी थोड़ा सा चढ़ाया जाता है पानी। इससे माता जी को चढ़ाएंगे और चांद को अर्घ देंगे। और इसके ऊपर जो मैंने घर पे बनाए थे चावल और लापसी, आप चावला चावल जो भी बनाते हो घर पे, जो भी भगवान को भोग लगाने के लिए, वो आप ले लीजिए प्रसाद। तो यहाँ पर मैंने ये सभी प्रसाद ले लिया है और यहाँ पर हमारी पूरी पूजा थाली हो गई है तैयार। और इसके साथ ही जो सबसे लास्ट में है, हम छलनी भी रख देंगे और पूरी पूजा थाली आपको इसी तरह से सजा लेनी है। तो अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ हो रही है, पूजा के लिए सभी तैयारी हो रही है। माता जी का जो है फ़ोटो लगाया हुआ है, पोस्टर लगा दिया है। और पोस्टर लगाने के बाद इन्होंने करवे रख दिए, मतलब अपना जो भी लोटा होता है वो रख दीजिए अगर आप रखते हैं तो, नहीं तो ठीक है, पुष्प चढ़ा दीजिए माता जी के नीचे आसन बिछाकर। और फल फ्रूट वगैरह जो भी रखना है वो रख दीजिए और एक दिया जला दीजिए। यहाँ पर पूजा की जो तैयारी हो रही है, जिनके यहाँ पर मैं गई हूँ वो पूरी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। करवे के ऊपर लच्छा लपेट लिया है और माता जी की पूरी तैयारी कर ली है, पोस्टर वगैरह सभी लगा कर। और अब मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पर आपको एक कंडा भी जलाना है जिसके ऊपर हम जो भगवान का प्रसाद लेके आए उसका धूप लगाएंगे। सबसे पहले आप पानी हाथों से छिड़क दीजिए माता जी के ऊपर और उसके बाद में आप कुमकुम की 60 टिक्की लगा दीजिए और उसके बाद काजल की लगा दीजिए। इसी तरह से आप मेहंदी की भी लगा दीजिए और उसके बाद दोनों हाथों में लच्छा और मेहंदी लेके माता जी को लच्छा चढ़ा दीजिए। और लच्छा लगाने के बाद में आप अगरबत्ती जला दीजिए। अगरबत्ती जलाकर आप जो ब्लाउज पीस लेके आए माता जी को वो चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ा दीजिए माता जी को।
आप जो बाती अलग अलग ली थी उसको अलग अलग दीपक में कर दीजिए और माता जी के दिया जला दीजिए। और दिया जलाने के बाद में आप जो मिठाई लेके आए थे उसका धूप लगा दीजिए। मिठाई डालने के बाद में उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डाल देना है, जिससे कि धूप अच्छे से हो जाएगा माता जी को। आपके यहाँ अगर रिवाज है सासू जी या ननंद को कुछ भी देने का श्रृंगार वगैरह, तो वो भी आप इस जगह पर पूजा स्थान पर लाकर एक बार माता जी के सामने रख के उसके बाद में आप दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है तो मैंने ये नहीं किया है। और उसके बाद में यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और हमारे यहाँ पर रिवाज है कथा सुनने का, तो यहाँ पर मैंने एक कथा भी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर, वो कथा आप सुन सकते हैं, चौथ माता की कथा। और आड़ी बाड़ी भी सुन सकते हैं और अर्घ, चांद को अर्घ देते टाइम आपको क्या बोलना चाहिए वो भी आप सुन सकते हैं। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर हम लोग कहानियाँ सुन रहे हैं तो आप भी कोई भी कथा सुन सकते हैं, फ़ोन में लगा दीजिए या बुक से पढ़ लीजिए। उसके बाद में एक सिस्टम और होता है करवा अल्टी पल्टी करने का, इधर उधर करने का। तो यहाँ पर पूजा की थाली भी आप अलट पलट कर सकते हैं, 5 बार करनी है, अपनी थाली फिर से अपने पास आ जाएगी, ये करना है। और हमारे यहाँ पर रिवाज होता है करवा अलट पलट करने का, तो आप एक दूसरे से अपना करवा 7 बार एक्सचेंज करके उनका आपके पास आ जाएगा और अपना दूसरों के पास चला जाएगा। उसके बाद में एक औरत आपको 5 बार पानी पिलाएगी और आपको बोलना है जल्द आयो स्वागत आयो, 5 बार बोलना है कि जल्द आयो। और लास्ट 5वीं बार में आपको बोलना है जल भी धायो स्वागत भी धायो और वो पानी पी लेना है। और अगर आप ऐसे नहीं करते और अपने हस्बैंड के हाथ से पानी पीना चाहते हैं तो फिर आप करवा अल्टी पल्टी मत कीजिए और आप जो जिस तरह से मैं पूजा बता रही हूँ उस तरह से कीजिए। तो यहाँ पर हमने करवा अल्टी पल्टी नहीं किया और चांद की पूजा कर रहे हैं, उसी तरह से पानी चढ़ा दिया है और उसके बाद पुष्प चढ़ा दीजिए और उनको थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दीजिए और चावल छिड़क दीजिए, आरती कर लीजिए और चांद को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद पूरी उसी विधि से आप अपने हस्बैंड की पूजा कर लीजिए। चांद को अर्घ देते समय आपको क्या बोलना है 5 बार उसका भी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और उसके बाद पूरी हस्बैंड को पूजा करने के बाद मुँह मीठा करा दीजिए और मुँह मीठा करने के बाद में आप अपने हस्बैंड से आशीर्वाद ले लीजिए। और ये सभी मैं फास्ट फॉरवर्ड में बोलती जा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा आप सभी का भी समय ज़ाया नहीं कर सकती हूँ और जल्दी जल्दी से मैं आपको ये सभी बातें बता देती हूँ। और यहाँ पर अब छलनी में एक दिया और जो हमने लिया था वो रख के पहले चांद को देखकर फिर आप अपने हस्बैंड को देखिए, तो यहाँ पर वही हो रहा है इस तरह से। और आप अब आशीर्वाद ले लीजिए और यहाँ पर हमारी पूजा ख़त्म हो गई और आप घर जाके बड़ों का आशीर्वाद ले। एंड सबसे लास्ट में होता है पानी पीना, जो आप अपने हस्बैंड के हाथ से करवे में से पानी पी सकते हैं। और अगर हस्बैंड के हाथ से नहीं तो आप जैसे भी जिस तरह से पीना चाहें उस तरह से पी लीजिए और अपना व्रत तोड़ लीजिए। और पूजा हो गई ख़त्म। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। और भी कहानियों के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको अलग अलग टाइप की कथा मिल जाएगी। तो चलिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।